In this lecture, we will discuss about how we can use ADO data control. ADO stands for ActiveX Data Object, though which is very similar to the data control which we have discussed in chapter number 14. तो इसमें होगा क्या कि हम लोग ये देखेंगे कि कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स के अंदर से टूल बॉक्स के अंदर हम लोग ये ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो एडीओ डाटा कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग होगी, ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली जो हमारे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग लास्ट डाटा कंट्रोल के अंदर थी। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेगी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने में आपकी हेल्प करेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉक टाइप, ये बताएगा कि किस टाइप का आप रिकॉर्ड के ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं। रिकॉर्ड सोर्स, रिकॉर्ड सोर्स का मतलब क्या है कि आप इसमें ये स्पेसिफाई करेंगे कि किस टेबल के अंदर से आप डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, जो टेबल आप लोगों ने डेटाबेस में बनाए होंगे। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे आप इंक्लूड करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो कम टू द स्क्रीन, तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर 16.1 जो कि 431 पेज नंबर के ऊपर प्रैक्टिकल है, इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले exe प्रोजेक्ट बना लेना है, जैसे कि आप लोगों के स्टेप्स में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद इस तरह से आपके पास फॉर्म आ जाएगा और प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर जाके यहाँ पे कंपोनेंट्स का ऑप्शन होगा। कंपोनेंट्स के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर से आपने सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट ADO कंट्रोल डाटा कंट्रोल 6.0 ब्रैकेट में लिखा होगा OLEDB और इसको आपने चेक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। चेक करने के बाद आपने करना है इसको ओके। तो वहाँ से जो आपके पास OLEDB है, ठीक है, वो आपके टूल बॉक्स के अंदर एक कंट्रोल बन के आ जाएगा, जैसे कि आपके माउस पॉइंट करके मैं दिखा रही हूँ। ये ऑप्शन बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, ये कंट्रोल एक और ऐड कर दिया गया है टूल बॉक्स के अंदर। अब इसको मैं क्लिक करूँगी और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ये हमारे पास क्या हुआ कि वो कंट्रोल ऐड कर दिया गया है। इस कंट्रोल का हम लोग ADO DC कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेटा कंट्रोल, DC स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल। तो ये हमारे पास इस तरह से अपीयर हो गया जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इसको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है बिल्ड को और अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल आपने ऑप्शन नंबर 2 क्लिक कर देना है, ठीक है, दैट इज़ अबाउट जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर। और इसको ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई है और इसको मैं दोबारा से क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे अपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि जो मैंने डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट की है वो उसको मैंने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने करना क्या है कि इन तीन डॉट्स को क्लिक करना है और जो मैंने MS Excel में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटाबेस बनाई थी, जो कि ये डेटाबेस ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने ही बना चुकी हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स में ही बनाई है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो इस पर्टिकुलर MS Excel के ऊपर जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की है। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ से, Sample 3 डॉक्यूमेंट का नाम है क्योंकि, तो यहाँ से मैं Sample 3 को सिलेक्ट कर लेती हूँ और स्टूडेंट डेटा का रिकॉर्ड को हम लोग ले के आते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, ओके। ओपन करने के बाद इस जैसे ही मैंने टेस्ट कनेक्शन को क्लिक किया बटन को, तो यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स के अंदर नज़र आ गया माइक्रोसॉफ्ट डेटा लिंक, इसमें टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, यानी कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन चुका हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमने करना क्या है, अब हम लोगों ने रिकॉर्ड सोर्स को प्रॉपर्टी पेज के अंदर से सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो कहाँ से आएगा अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके कर दिया इसको,
ओके करने के बाद ये आप लोगों की जो प्रॉपर्टी पेज था इसके अंदर आपने आ जाना है रिकॉर्ड सोर्स टैब में। रिकॉर्ड सोर्स टैब में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडी सीएमडी अननोन सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। इसको आपने चेंज करके यहाँ से एडी सीएमडी टेबल कर देना है, क्योंकि हम एक टेबल का रिकॉर्ड लाना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने विजुअल बेसिक के साथ विजुअल बेसिक के अंदर लाना चाहते हैं। तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने करना क्या है, नीचे टेबल का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से टेबल का हम रिकॉर्ड लाने चाहिए। चूँकि हमारी डेटाबेस के अंदर ये देखें एक्सेस के अंदर एक ही टेबल है, तो एक ही टेबल है तो फिर उसी टेबल का रिकॉर्ड ले आते हैं जी। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक किया तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया। ओके करने पे वो रिकॉर्ड जो है यहाँ पे इस बॉक्स में या फिर इस कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसका इंटरफेस बना देना है और इंटरफेस बनाने के बाद हमने तीन फील्ड्स लगानी है जहाँ पे हम लोग ताकि अपना डाटा शो करवा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस लगाने हैं, ये रे टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। वन दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स, एक टू और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी इधर से ही मैं ऐड कर देती हूँ, थर्ड वन, ठीक है। तीन टेक्स्ट बॉक्सेस क्यों ऐड कर रहे हैं, चौथा भी ऐड कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए ऐड किया, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए ऐड कर दिया, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स मार्क्स के लिए ऐड किया कर दिया। इसलिए मैंने तीन टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड किए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी रिक्वायर्ड टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब डेटा सोर्स को कैसे सेट करेंगे, डेटा फील्ड्स को कैसे सेट करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसके लिए आप लोग आ जाएं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो प्रॉपर्टी विंडो के, तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन को क्लिक करें, ठीक है। वन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ विंडो में। प्रॉपर्टीज़ विंडो में सबसे पहले आपने ऑप्शन देख लेना है डेटा सोर्स का, ठीक है। डेटा सोर्स में से आपने सेलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन को और यहाँ पे डेटा फील्ड को भी सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी फील्ड का डेटा अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स टू के अंदर मैं दिखाना चाहती हूँ कौन सा फील्ड दिखाना चाहते हैं हम। पहले तो डेटा सोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा सोर्स हमारा अगेन ADO DC 1 होगा, क्योंकि ये भी तो हमने बताना है ना, ये वाला डेटा सोर्स है जो नीचे लगाया है हमने, ठीक है। और उसके बाद डेटा फील्ड हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेट कर लेती हूँ। इसको मैंने अभी अभी सेट शायद किया है, हाँ जी। यहाँ पे डेटा सोर्स तो सिलेक्टेड है और उसके बाद फील्ड भी इसके सिलेक्ट कर लेते हैं। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर दिए तो अब होगा क्या, अभी इसको प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। आई होप ये रिक्वायर्ड हमें आउटपुट दे दे, हाँ जी। ये देखें जो फर्स्ट रिकॉर्ड था हमारी डेटाबेस के अंदर वो रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है, अली रजिस्ट्रेशन नंबर उसका 1 है, ठीक है, मार्क्स 90 है। अब यहाँ पे देखें मैंने प्रोग्राम को रन किया है, अब जो फर्स्ट रिकॉर्ड था उसकी डिटेल मुझे इस इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर नज़र आ रही है। अब मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करूँगी तो नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे नज़र आएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखें एक्सेस के अंदर सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेकंड नंबर पे 2 रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका नाम अहमद है और मार्क्स उसके 95 है। जैसे ही इसको फर्दर मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगी तो थर्ड स्टूडेंट का, इसी तरह से नेक्स्ट करते करते लास्ट हमारे पास स्टूडेंट का। और ये जो इसमें ये जो प्रीवियस है, अगर मैं प्रीवियस को क्लिक करूँगी तो इससे जो पिछला रिकॉर्ड होगा उसके अगेन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और पीछे करूँगी तो इसी तरह से, अगर मैं इधर क्लिक करती हूँ तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा और अगर मैं ये लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करती हूँ इसका मतलब होता है कि लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा फोर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर वाला स्टूडेंट है जिसका नाम इमरान है। तो यहाँ पे देख लें आप लोग,
लास्ट स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर 4 है और उसका नाम इमरान है और 75 मार्क्स हैं। आई होप आप लोगों को ये कनेक्शन का समझ आ गया होगा। बोर्ड मैंने भी डिटेल से समझाने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और कोशिश करें कि इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की खुद से ट्राई करें, ठीक है।